हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन IAS। आज मैं आपके सामने शहनशाह और मेरे साथ है CSR सर और हम बात कर रहे हैं आपके सामने आके एक ऐसे प्रोग्राम की जिसका नाम है समर्पण। एज वी ऑल न्यू दैट द UPSC फ्रॉम पास्ट हैज़ बीन चेंजिंग इट्स ट्रेंड। ठीक है, 2016 में हमने देखा दैट UPSC चेंज्ड इट्स ट्रेंड, 2019 में देखा अगेन द ट्रेंड वॉज चेंज, देन 2021 में और अब 2023 में। Now what we have seen in the recent prelims was that कि UPSC ने एक ऐसा question का pattern बनाया, एक ऐसा paper बनाया which was unexpected। ठीक है, now the thing is after prelims what have we learnt and what to do next, that is the question। As we have seen from our past experience in mentorship, I particularly have seen students in two dimensions or two dilemmas कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स को। फर्स्ट इज व्हेन दे रिवाइज। ठीक है, जब भी वो कोई चीज़ रिवाइज करते हैं ना तो या पढ़ रहे होते हैं पहली बार में, तो व्हाट दे आर फेसिंग इज दैट दे आर नॉट रिकॉलिंग द फैक्ट्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज दिस डायलेमा दैट फर्स्ट थिंग दैट व्हाइल दे आर रीडिंग दे विल रिवाइज इट। ठीक है, दे विल रिवाइज एंड व्हाट दे डू इज दे जस्ट अंडरलाइन इट, है ना, दे डोंट रिवाइज एज वी हैव सीन। And the second thing is that कि the biggest dilemma is that जो अभी तक आपको भी पता होगा कि market में हो रहा है that elimination technique, है ना, जो हम सबको eliminate कर चुका है ना। तो that was कि once I see the fact in the paper what I'll see is I'll identify the fact and I'll eliminate the fact with identification। बट द प्रॉब्लम इज सबकॉन्शियसली वट वी आर ट्रेनिंग आर सेल्स इज क्या हमें काम ही नहीं करना है, वी आर जस्ट प्रोक्रास्टिनेटिंग इट। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम बना है। प्रोग्राम इसलिए बना है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक का टू साइडेड एनालिसिस हो जाए। ठीक है, एक उस टॉपिक पे प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछे जाएँ जो फैक्ट्स आपसे UPSC पूछा है इस बार। अगर सर ने पेपर देखा, मैंने पेपर देखा, हमने ये देखा पेपर में दैट एवरी फैक्ट इज नेसेसरी, यू मस्ट नो दैट, देर इज नो अदर वे टू सॉल्व दैट पेपर। सेकेंड थिंग वॉज कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को रिकॉल करके मेंस के पेपर में लिखना 80% ऑफ द फेलियर। जितने भी 80% स्टूडेंट्स हैं, सर ने भी देखा है दैट इन आर करियर लाइक लास्ट 4 to 5 years वी हैव सीन दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फेल होते हैं उसमें से जो 80% स्टूडेंट्स हैं ना उनमें एक कॉमन एरर होता है। यू नो व्हाट दैट इज, दे डू नॉट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। सर को भी पता होगा दैट व्हाट दे डू एक्चुअली। सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड ही अभी भी हम बात कर रहे थे इसी चीज़ पे दैट दिस इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पे स्टूडेंट्स लैक करते हैं एंड दैट इज़ व्हाई हमने इस प्रोग्राम को फेजेस में डिवाइड किया है। लेयरिंग का कॉन्सेप्ट लाया है इस प्रोग्राम में। ड्यू टू लेयरिंग व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बिल्डिंग दी कॉन्सेप्ट्स वन आफ्टर दी अदर। तो सर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जो ये जो प्लान है हमारा, जैसे कि हमने डिज़ाइन किया है जो परफेक्शन IAS में समर्पण प्रोग्राम, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री हमने क्यों किया है। द रीज़न इज़ यू शुड नो कि जैसे सर ने बताया कि जो रिवीजन का जो चीज़ है, आप सोचते हो कि ये रिवीजन करेंगे, यूजुअली बच्चे सोचते हैं कि वो रिवीजन करेंगे, हाँ। लेकिन वो हो नहीं पाता है, वो नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द रीज़न वाई ये जो फेज़ टू है यहाँ पे हमने रिवीजन डाला है। ऐसा मतलब नहीं कि ये तीन फेज़ में आपका कोर्स ख़त्म होगा, कोर्स आपका फर्स्ट फेज़ में ख़त्म हो रहा है। आपका वही कोर्स को हम 22 टेस्ट में रिवाइज कराएंगे, फिर जाके आप प्रीलिम्स के बाद ये फेज़ थ्री आएगा। द थिंग इज़, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो बच्चे यहाँ पे जो फेज़ वन फेज़ टू में यूजुअली जो एक साल में वो मेंस आंसर राइटिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, अगर भी करते हैं इक्का दुक्का करते हैं, दो हफ्ते में दो आंसर लिख लिया, तीन आंसर लिख दिया, संडेज में भी वो नहीं रखते हैं। तो ये जो प्रोग्राम जो आपने डिज़ाइन किया है, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो मेंस आंसर राइटिंग का होगा, इसको आपने जो डिज़ाइन किया क्या सोच के किया कि जो दिल्ली में जो चलता है बच्चे, इतना बच्चे आते हैं पढ़ने आते हैं, तो उनके वजह से आपने जो रखा है, तो ये कैसा उनके लिए हेल्पफुल होगा, ये थोड़ा आप बताइए। सी द फर्स्ट थिंग इज विच वी हैव लाइक टुक इनटू कॉग्निजेंस वाज दिस स्ट्रक्चर ऑफ थ्री डेज। ठीक है, हर तीन दिन में एक टेस्ट।
अगर आप यूपीएससी का पैटर्न देखो ना, तो आपको सिलेबस को रिवाइज करने के लिए सबसे कम टाइम मिलता है जीएस में, रिवीजन ही नहीं हो पाता है ना। एंड दैट थिंग इज विच वी आर डूइंग हेयर। जब भी मेरे पास बच्चा आता है गाइडेंस के लिए, मैं उसको बोलता हूँ तुम ये सिलेबस दो दिन में ख़त्म करो और तीसरे दिन इसका रिवीजन करो। दैट इज द रेशियो ऑफ रीडिंग एंड रिवीजन, दैट इज 2:1। और उसी चीज़ को हम एक हैबिट बना रहे हैं दैट हर हफ्ते हमारे पास दो टेस्ट हो रहे हैं, और ये हैबिट ऐसी बनेगी कि आपके पहले 65 टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको लग रहा है कि यार ये तो एक ही रिवीजन हो गया। बट आप इस चीज़ को भूल रहे हैं कि ये जो 65 टेस्ट है ये मिनी टेस्ट है, और इसमें जो आपका अप्रोच है वो पीस मील अप्रोच है। हर एक चीज़ को हमने तोड़ तोड़ के उसके माइक्रो टॉपिक्स, मोर देन 2000 माइक्रो टॉपिक्स आर देयर जो हमने बनाए हैं, मोर देन 2000 माइक्रो टॉपिक्स, और उसकी बेसिस पे टेस्ट बन रहे हैं। देन देर इज नॉट ओनली दिस वन रिविजन, देर इज सेकेंड रिविजन हेयर, दिस विल बी द थर्ड रिविजन। इसमें अगर आप 5 टेस्ट लिख रहे हो तो इट मीन्स दीज आर 5 रिविजन्स इन इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिविजन नहीं, दो रिविजन नहीं, यहाँ पे मल्टीपल रिविजन हो रहे हैं। एंड आई थिंक वट एवर आई हैव डिजाइंड इट, एंड अगर स्टूडेंट्स को अच्छे से फॉलो करे तो 6 to 7 रिविजन आर वेरी इजीली बिफोर मेन्स, विच यू कैन डू इजीली। ठीक है, और उसमें भी सर अगर आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स, आपके पास भी ये प्रॉब्लम आया होगा, स्टूडेंट्स ने पूछा होगा कि शॉर्ट नोट्स में ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमने भी देखा था अपने टाइम पे, जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे हमने भी ये प्रॉब्लम देखा था, बिकॉज उस टाइम पे इस तरीके का जो सीरीज़ है वो भी नहीं था 5-6 साल पहले, वो नहीं था। ये सीरीज़ अभी भी नहीं है, बिकॉज आप अगर चेक करेंगे ये जो सीरीज़ है ये छोटा सीरीज़ नहीं है, ये 444 का डेज का सीरीज़ है। तो और ये फाउंडेशन कोर्स भी नहीं है, ये कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो क्लियर करना चाहता है, जो पढ़ाई कर चुका है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, राइट। जो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, पढ़ाई हर कोई करता है, हर कोई, लाखों बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करना और प्रैक्टिस करने में फ़र्क बहुत है। तो उसी फर्क को हम कंपेंसेट कर रहे हैं समर्पण प्रोग्राम में। आपको पूरा 444 डेज एक रेगुलरिटी रहेगा। आप 3 बार आएंगे, 2 बार एवरी वीक, 2 बार आपको आना पड़ेगा। आप आएंगे, एग्जाम देंगे, इवन बीच में भी, क्या बीच में आ सकते हैं बच्चे? हाँ, ये जो टेस्ट सीरीज है पूरा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस इसका शेड्यूल बच्चा अपने हिसाब से चलाता है। ठीक है, और पर्टिकुलरली वाई दैट फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हर एक बच्चे का नेचर अलग है, हर एक बच्चे का लेवल अलग है, हर एक बच्चे ने प्री वर्कआउट अलग तरीके से किया होता है और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनती है। मैंने बोला आपको कि ये पीसमील अप्रोच है, पीसमील अप्रोच का मतलब ही वही है कि मैं बच्चे के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी फ्रेम कर रहा हूँ। ठीक है ना, किसी बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है, बट उसको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ाना है, उसको यूज़ कैसे करना है और उसको इस टेस्ट में यूज़ कैसे करना है, दैट विल वेरी। वन मोर क्वेश्चन आई नीड टू नो फ्रॉम यू, कि यहाँ पे जो हम स्टूडेंट्स के लिए, खास करके दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं या बाहर के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए जो खास करके जो एक मेंटरशिप सपोर्ट रहता है, तो ये जो प्रोग्राम हमने किया है, तो यहाँ पे आप थोड़ा मुझे बताइए कि बच्चों के लिए यहाँ पे सपोज कोई किसी भी बच्चे का कुछ कोई भी डाउट हो, सपोज उस टॉपिक का उस दिन डाउट नहीं है, वो आके अगर पूछेगा तो उसके लिए क्या मेंटरशिप अवेलेबिलिटी रहेगा, ये थोड़ा बताइए। हाँ, एग्जैक्टली द थिंग इज कि इस टेस्ट सीरीज में मेंटोरशिप का सपोर्ट है। मेंटोरशिप सपोर्ट मीन्स कि बच्चे को क्वालिफाई कराना है, बच्चे का रिजल्ट लेके आना है, उसको हैंड होल्डेड अप्रोच, जब हम बोलते हैं ना कि चाणक्य और चंद्रगुप्त है ना, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, कि आपको हाथ पकड़ के एक मेंटोर आपको चलाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट हार्डली मैटर्स विच प्रॉब्लम यू ब्रिंग इन, द थिंग इज मेंटोर शुड हैव द सपोर्ट, है ना, ही मस्ट सपोर्ट इन दैट प्रॉब्लम, इवन इफ इट्स न्यूज़पेपर, इट्स शॉर्ट नोट्स, इट्स एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ दैट थिंग, और इट्स अ टॉपिक अदर देन यूपीएससी, देन वी विल सी वॉट टू डू विद दैट। बट द थिंग इज ऑल द टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी फ्रॉम GS1 to GS4 इंक्लूडिंग ऐसे एवरीथिंग विल बी डेल्ट हेयर। हाँ, so the what is our motto of this plan is, this plan is a one of a kind program. हाँ. It is one of a kind. I think this ये इस हिसाब से प्रोग्राम किसी ने किया नहीं है, तो परफेक्शन है इस जो ये चीज़ लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, आपके लिए है। आप आइए, आप पूछिए, सेंटर पे आके आप डिस्कस कीजिए एनी इश्यूज़ यू हैव, अपार्ट फ्रॉम गोइंग थ्रू ऑल दिस, एनी इश्यूज़ यू हैव
यू कम, यू टॉक टू द फैकल्टीज, यू टॉक टू द मेंटर्स अवेलेबल, यू टॉक वॉट एवर प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम यू फेस यू कैन कम, यू कैन टॉक. इट्स नॉट अबाउट वी बोथ अदर, देर आर अदर फैकल्टीज ऑल्सो, जो कि एक वीडियो में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, पॉसिबल भी नहीं है. सो वी थॉट ऑफ शेयरिंग दिस कन्वर्सेशन विथ यू गाइज सो दैट यू गेट द राइट कंटेंट, राइट स्ट्रैटेजी, सो दैट यू क्लियर इट एट द राइट टाइम. थैंक यू. हाँ, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल. प्लीज ज्वाइन अस एट परफेक्शन आईएएस. विश यू ऑल द बेस्ट.